अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, वो छठ के दिन शायद सोमवार के आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए, छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें बेलपत्र डाल के रख लो, उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, ठंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से है कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन तर जाए, उस दिन विष कपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, और रोटी के अंदर रखकर वर्ष कपी या विष कपी हलवानी शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में तभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं। श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आता दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता, किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से बैंबोली बनाई जाती है, कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखा, स्मरण में होगा किसी के दरवाजे पर आटा डाला जाता, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से खाई कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो, जब अमावस्या आए किसी जलाशय सरोवर तालाब बावरी कुआं उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा की प्रार्थना कर आना। केवल पावित्र 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की पूछना आना प्रारंभ हो जाए, वो देव पितर का वो कार्य, देव पितर का वो देव पितर किस तरह से करेगा, बेटे की शादी बेटी की शादी, हम तय कि ठीक है 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल 42 साल 35 साल 38 साल शादी नहीं हो रही तो कर्तव्य इतना सुंदरता है, पितृदोष ताय से समाप्त होता है। तो स्कंद पुराण में लिखा घर का एक लोटा पानी भरो, एक कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, जबकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा, जलाधारी क्या है, माता जी का हस्त कमल, पार्वती जी का हस्त कमल, तो ये संपूर्ण जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितरलोक ने अपने पितरों को गतिन, अपने पिताजी को कहती है पिताजी इसके घर तक जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि संतर पर एक लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देते। क्यों दी जाता है तवुआ को भोजन, सातपुच में तवुए को भोजन क्यों दिया जाता, क्यों छत पर इलाकर रोटी का थोड़ा डालते, कांजी अमंती का अयोध्या आदि पादि के जितने पावन क्षेत्र है, जगन्नाथ द्वारका रामेश्वरम बद्री नारायण जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र है, मथुरा आदि के जितने वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र है, शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र है, सारे पुण्यशाली क्षेत्र चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र है सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोल मालूम है कि आप मन शब्द तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा पिंड होगा, तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या, जम के बोलिए नहीं कर सकते, इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या, नहीं, इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते ना तर्पण कर सकते या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीरथ, तीरथ कितने हजारों में तीरथ, इतने तीरथ में जाकर कहां पुण्य करोगे कहां पिंड दोगे, तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौए पर भेज गए, कायते बैठता है कौए, तो एक काम करो जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठ कर पितृ लोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौए के लिए भोजन छत पर डाल दे, हमारे छत का कौआ जब अन्न का भात ग्रहण करेगा
पितरों के देवता को बिखाकर जब घूमने के लिए निकलेगा तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा, इसलिए कौए को भोजन कराएगा। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जा? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी। जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो की ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाए। ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है गोद की खीर। दूसरा पुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकौड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। तीन भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता, गिलकी और पुरई का भोजन पित्तों के हिस्से में चले जाता, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता। इसलिए यह तीन भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूर। यही कोई कमा रहे हो, सवार वाले खर्चा चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो कई बार ये हम करना है कि हमें शंकर भगवान को एक नुक्ता जल समर्पित कर। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंदर सोलह अगर हमने एक ही पानी का कलश एक ही लोटा है, ऐसा नहीं भी तुम्हें सत्ताईस बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा है या ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर पर सत्ताईस बार छोड़ दिया जाता है। उस शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे बारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं दिया है, जल भी नहीं दिया है, और संसार भगवान को सत्ताईस बार जल अगर आपका हाथ धन समर्पित करते अपने पूर्वजों के लिए है तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार सुझाव देव का जल जल हम आपके पूर्वजों को प्रदान कर दे। तीन सफेद फूल, तीन चावल के दाने, एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर क्यों उसको रखो? किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए शाह तो अक्षमे करने के लायक ही बस, तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बेटा परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है वो नहीं कर पा रहा, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो तीन सफेद पुष्प और तीन चावल के पितरों की तीनों बेटियां मैना कन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना कन्या और कला, पितरों की तीन बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बेटा है या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है उस बेटा बेटी का नाम स्मरण पुत्र बोलता उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधीर महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी जरा मालूम है सबको, अशोक सुंदरी का स्थान अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर तीन महीने के अंदर बाबा देवाधीर महादेव उसकी नैया काल चंदा निश्चिंत। पर इसके साथ उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी तरता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की हो। कितने कुछ कितने चावल, नाम बोलिए, मेहना कन्या और तला, ये तीन दे पिताओं की क्यों लड़ दिया है जो इन प्रणव में निवास कर सभी जिगरे शोल्ला आए हैं बड़े भाव से जिगली ज्यादा, आप लोग व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और इसका खूब सका का लाभ अपने जीवन में उतारिएगा। क्या करना चाहिए अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है, शांति पाना है, तो क्या करना होगा? उसका एक ही तरीका महाराज, अमावस्या के एक दिन पहले चौदस के दिन पीपल के सात पत्ते लीजिए और सात पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। सातों पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने भी बंदरवान मानते ना, ऐसे मौली की बंदरवान मान लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या की एक दिन पहले चौदस। अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे उस बंदरवान को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए, कटोरी वापस लेकर आ जाइए। मात्र दो अमावस्या करोगे आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृदोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका है? शिव कर सकते, शंकर की सेवा। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया,
ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितर मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितर मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाता है, उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहां पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर, आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर कर, भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृ लोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आए। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे, उनकी मुक्तता कैसे, प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी कथा के फल से मुक्तता, प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, काय से होगा, शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करने से उससे मुक्त था।